मैं शादीशुदा औरतों के बीच में फंसा हुआ हूँ। यू आर अ फुल टाइम ड्राइवर। मैं सोच रहा था यहाँ पे कुछ और सॉल्व किया जा रहा होगा। शादी के बाद हम लोगों ने नाइट आउट प्लान किया है। सौरभ तांबोली वन मोर विकेट डाउन। पहला हमें यहाँ पे क्यों बुलाया पे? आज मेरी माँ ये देख के कितनी खुश होगी। कहा हैंगओवर इतना है, इन लोगों को पता नहीं ये क्या कर रहे हैं। सारे मूड की बैंड बजा दी। द वर्स्ट पार्ट टू गो आउट इन द मॉर्निंग आफ्टर नाइट आउट इज ऋतु। कम ऑन। अच्छा गा। हेलो गाइस एंड वेलकम टू टुडेज ब्लॉग। आज हम लोग जाने वाले हैं, मेरा एक दोस्त है कॉलेज का जो कि मेरा फर्स्ट ईयर में ग्रुप था 27 लोगों का। उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद कुल मिला के बचा है एक आदमी मेरे लाइफ में, एक मेरा दोस्त है ग्रेजुएशन का और एक और था लेकिन उससे उतना टच रहा नहीं, जो आज आने वाला है। सो आज हम लोग चार कपल होने वाले जो नाइट आउट करने वाले है, तो काफी सारी पुरानी यादें भी ताजा होने वाली है उसमें। तो मैं जा रहा हूँ वहाँ पे, जैसे कि आप देख रहे हो ऋतु यहाँ पे पूरी तैयारी कर रही है, जोरों शोरों से पैकिंग हो रही है। एक रात के लिए हम जा रहे हैं लेकिन इतना बड़ा सामान लेके जा रहे हैं। हम चारों लोगों की शादी हो चुकी है और मैं उनको पूछने वाला हूँ कि भाई कैसी चल रही है तुम्हारी शादी, ये होने वाला है और बाकी देखते हैं लाइफ में कैसी चल रही है। लाइफ आफ्टर मैरिज। कैसी चल रही है लाइफ आफ्टर मैरिज, कह दिया ना, बस कह दिया। तो हमारी लाइफ कैसी चल रही है? मेरी तो अच्छी है। I don't know about you. What is it? यार वे दर्द यार। ये है हमारा बेड, काफी अच्छे हालत में। ये मैंने पिछले व्लॉग में आपको बताया था कि ये मेरा माइक भाई, इसको DTDC से हम लोग भेजने वाले हैं। यार तू क्या टाइम पास कर रहा है? मैं अभी पैकिंग कर रही हूं, तेरा क्या चल रहा है यार? तो फिर लेके जा रहा हूं ना कपड़े धोने के लिए यहां पे, सब कुछ हो चुका है ना। नहीं करना है काम, तो कुछ करता नहीं है। काय नाही दिक्कत, काय करायची दिक्कत, मला नको घ्यायचं ना, बेल द्यायचं ना, असं करते तू, पागल आहे तू? आपली ऑर्डर लावलेली असते। एक ऐसी चीज तू भूल गई है जिसके बिना कुठली कुठली गोष्ट सांग। इन प्रोसेस आहे। कौन सी चीज बता, कौन सी चीज? वो इतना ही फ्रेम लगता है ना, उसमें पता नहीं चलने वाला। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हल्का। ये विसरू नकोस, ये भूलना नहीं है, ये चाहिए हमको। तू क्या करेगा, कुछ तो कर, एटलीस्ट इसकी तो जिम्मेदारी ले लाइफ में। तेरी जिम्मेदारी ले रहा हूँ लाइफ में उतनी काफी है नहीं है क्या? अभिषेक मी तुला सांगते, आम्हाला उशीर का झाला असेल तर या माणसामुळे नुसता टाइमपास चाललाय याचा। मी आऊ, मेरे को पहले बता गाड़ी कौन चलाने वाला? तू। ये कैसे डिसाइड हुआ? भाई ने बोला करने का तो करने का। जैसे ही आपकी शादी हो जाती है, द फर्स्ट थिंग इज यू आर अ फुल टाइम ड्राइवर। थाईलैंड में क्या हुआ था गाइस, मैंने इसको बोला था कि मेरे को गाड़ी हायर करनी है, मेरे को, मैं चाहता हूँ कि बाइक में घूमते वहाँ पे, लेकिन इसने मेरा प्लान फ्लॉप कर दिया था और फीफी आइलैंड हम लोगों ने कैंसिल कर दिया था। तब मैंने बोला कि मेरे को तो गुस्सा आया था, दूसरे दिन उठे बोली और चल अब ये करते और तू पीछे बैठ, मैं गाड़ी चलाऊंगी। तो उस वक्त इसका बोलने का तरीका ऐसा कि चलो यार तू अनहैप्पी है तो यार चल मैं तेरे को आज पूरे दिन। तो तेरा ये स्टेटमेंट जो है ना इसके पहले वाला कि आफ्टर मैरिज यू बिकम अ ड्राइवर फुल टाइम ड्राइवर, वो गलत है। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं अभिषेक के घर, लेकिन इतने थक गए ना, आज दिन भर बहुत काम किया था। रितिका लेकिन मेरे को एक सवाल पूछना है कि ऐसी क्या चीज है जो हम लोगों को यहाँ पे लेके आई है, इतना थकावट होने के बावजूद भी अभिषेक के घर लेके आई? फ्रेंडशिप और वी कंसिडर आवरसेल्फ एज अ फैमिली, एज अभिषेक एंड वी से कि वी आर द फैमिली एंड हमारे फैमिली का कोई मेंबर अगर जा रहा है तो वो एक इमोशनल लगता है। यस। ओह माय गॉड, शादी से पहले ये हाल है। आप इसे टिपिकल नहीं वाटते तुला? ओ माय गॉड, इकडे बघितलंच नाही आम्ही। मैं सोच रहा था यहाँ पे कुछ और सॉल्व किया जा रहा होगा नाइट आउट के लिए। यहाँ पे तीन लड़कियां बैठी है, यहाँ पे एक बैठे हुए हैं और मेरे सारे दोस्त बाहर गए, तो मैं लेफ्ट आउट फील कर रहा हूँ। लेकिन अगर ये लड़कियां शादीशुदा नहीं होती तो फीलिंग कुछ और। बड़ा हरामी हो। जब मैं श्रुति के यहाँ पे गया था, श्रुति के घर मैं और ऋतु गए थे हमारे शादी से पहले खाना खाने के लिए, तो श्रुति ने 1500 आइटम बनाए थे खाना खाने के लिए, तो उसमें से कितने खरीदे थे और कितने खुद बनाए थे? सब खुद बनाया था। या फिर एक्टिंग है? नो एक्टिंग। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई ये मेरी बीवी को कब सिखाने वाले हो? देखो गाइस कंटेंट यही मिलने वाला है क्योंकि मैं शादीशुदा औरतों के बीच में फंसा हुआ हूँ। सौरभ तांबोली वन मोर विकेट डाउन। पहला गड़ी गा रहा थी। एंगेजमेंट के बाद कुछ बदल आया लाइफ में? बहुत कुछ।
We have the John of the vlog. With all the requirement things. कुछ नहीं मेरे पास है. तूने हमें यहाँ पे क्यों बुलाया भैया? अरे bro, विषय का. मैं नहीं दिखाने वाला नीचे क्या है. आज अपन ब्लैक एंड व्हाइट मध्ये आहोत. काय अपन काय कॉन्ट्रास्ट आहोत की काय? मी नेहमी सत्याच्या बाजूने सोनू. अभिषेक का ये फ्लैट है. अभिषेक ने बहुत मेहनत करके 4 साल पहले ये ले लिया था. किया था उस टाइम पे दगड़ मिट्टी थी. मिट्टी सीधी मिट्टी थी. दगड़ मिट्टी थी. फिर अभी ये मिट्टी से अभी घर बन गया है. और अचानक बता दिया कि मैंने 4 साल पहले बुक किया था. पीठ में खंजर भोंकना जिसको बोलते हैं. अब बताओ टी शर्ट का कलर मैटर करता है या नहीं? शादी के बाद हम लोगों ने नाइट आउट प्लान किया है. मेरे 4 दोस्त थे तो चारों दोस्त अपनी अपनी बीवियों को लेकर नाइट आउट पे आए हैं, जिसका मंजर मैं दिखाना चाहूंगा आपको, जो कि काफी दिल दहलाने वाला है. तो हैव अ लुक एट दिस नाइट आउट. कितना तहलका मच रहा है यहाँ पे. ये है हमारे नाइट आउट की शुरुआत. सन्नाटा फैला हुआ चारों तरफ. अरे क्या मैयत में आए हो किसी के? सौरभ एक जमाना था चिल्लम चिल्ली पूरा उल्टिया एसिडिटी थी जिंदगी में. ये क्या कहाँ आ गए हम लोग? कहाँ क्या कर रहे हैं? कहाँ बैठे हम लोग? ऐसा लग रहा है अभी मैं खाना वाना खा के न्यूज देखूंगा और सो जाऊंगा. यस मेरी बीवी किचन में आ चुकी है. यस 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 रितु कम ऑन. अच्छा ये क्या कर रहे हैं भाई तुम लोग? किस दुनिया में आ गए तुम लोग? ये आलू देख के हमें एक चीज याद आ गई. सौरभ के रूम पे मैं गया था, उसने लिया 1 लीटर पानी. ए, ये उड़ा पानी नहीं. अरे 10 मिनट में एक सब्जी बना ली उसने. इतनी कैजुअल सब्जी बनाई थी उसने. लाल मिर्ची डाल दी, नमक डाल दिया, आलू काट दिया, पानी डाल के उसको ढक दिया और फिर खाना खाने बैठ गया. इतनी सिंपल लाइफ थी. ये लोग क्या कर रहे हैं? मसाले वसाले डाल रहे? पागल हो गए कि? 10 मिनट में खाना खा के बैठ जाते थे हम लोग. उसका सपना था इसमें बैठ के मैं जाऊंगा, गवर्नमेंट पे करेगा मेरे पेट्रोल के लिए. टाटा बाय बाय. अब ये सपना एक सपना ही रह गया. सपना टूटा है. सुपरस्टार रितिका हमारे टाकू कैसे? मेरे को इंट्रो ही नहीं देने दिया इन लोगों ने. घट्ट पेस्ट तयार करा, तिसला चांगल्या प्रकारे लावून 30 ते 40 मिनिटे मॅरिनेट करा. तुझं काम करायला मदत करतोय. आज मेरी माँ ये देख के कितनी खुश होगी. अब तो किया है लेकिन फिर भी मेरे दोस्तों को खाना खिला रही ये देख के खुश होगी, ऐसे मैं बोल रहा हूँ ना. ओह माय गॉड, ये वो स्टूडियस बच्चा है नाइट आउट पे भी. मतलब मैंने सुना था कि कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, ये दूध पीते हैं, लेकिन ये कौन सा हो गया नाइट आउट पे भाई? सात्विक आहार, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू मेंटेन योर हेल्थ. और ये जो लोग हैं ये देखो, तल रहे मच्छी वगैरह तल रहे, ये सब कर रहे. नो हाँ. और इसके साथ क्या मतलब होने वाला है? इसके साथ चाट मसाला. सो काफी दिनों बाद हम लोग दोस्त मिल चुके हैं, ऑलमोस्ट आफ्टर 3 इयर्स. बहुत मजा आने वाला है. अब ऐसी चीज है कि कुछ कैमरा के सामने नहीं बोल सकता और मजा होने वाला है. तो मैंने सोचा कि यार इस व्लॉग को यू नो थोड़ा यहाँ पे ट्रिम कर देते हैं और अगले सेक्शन की तरफ शिफ्ट करते हैं. अगर आपने व्लॉग यहाँ पर देख लिया है तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस व्लॉग को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर एक्साइटिंग कंटेंट इन दिस व्लॉग. गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम टू द व्लॉग. जुगाड़ की चरम सीमा मैं आपको दिखाने वाला हूँ. जब एक घर में 150 लोग आते हैं सोने के लिए तो हाउ डू वी मैनेज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. इस हॉल में 7 लोग सो रहे हैं. हैंगओवर इतना है कि इन लोग को पता नहीं ये क्या कर रहे हैं. चाहे तो काय का हमला वाले. देख मैंने ना यहाँ पे धन्यवाद 4 आम मचे लेकिन एक भी ठेम नहीं आया. और ये फूडीकर सर ने एक आम ले लिया और ये देख गर्मी नहीं चले गए. भाई साहब एक लाइफ टाइम एडवाइस देना चाहूंगा, साल भर वेस्टर्न टॉयलेट यूज करने के बाद कभी इंडियन टॉयलेट पे बैठने की गलती मत करना. बहुत बुरा हाल होता है. लेग्स डे करने के बाद जितना हाल होता है ना उससे 10 गुना ज्यादा दर्द होता है. द वर्स्ट पार्ट टू गो आउट इन द मॉर्निंग आफ्टर नाइट आउट इज सब लोगों के फोन आने लगते हैं कि भाई मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए. इतनी सारी चीजें मैं लेके जा रहा हूँ. चलो बाय बाय. अबे बाय 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 बाय. श्रुति बाय. सागर चंद्रे बाय. यार अभी ना मैं हूँ कुमार पैसिफिक मॉल में पुणे में और मेरे सामने सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक छोटे बच्चे के लिए गिफ्ट क्या लेना है. सारी फैमिली ने मेरी मेरे ऊपर छोड़ दिया ये कि भाई तू गिफ्ट लेके आ उसके लिए जो भी है.
तो मैं फिलहाल जा रहा हूँ मिनी शो में, देखूंगा कि छोटे बच्चे के लिए क्या गिफ्ट मिलता है भाई। अब ये छोटा बच्चा जो है वो है रितिका के भाई का बेटा जो कि 1 साल का हो गया है। कभी मैंने इतना सोचा नहीं है कि गिफ्ट क्या दिया जाए। तो लेट्स सी क्या क्या अवेलेबल है यहाँ पे। तो यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन है सॉफ्ट टॉयज के, और जहाँ पे आ जाते हैं ऑप्शन वहां पे मैं हैंग हो जाता हूँ। लेकिन मैंने अभी ऋतु को वीडियो कॉल किया था तो उसने बताया कि दिस इज परफेक्ट फॉर अधिराज। बैठने के लिए है, इतना छोटा है। एक और ऑप्शन है नीचे वाले शॉप में, वहाँ पे जाके देखेंगे। अगर वो पसंद नहीं आया ऋतु को तो विल गो विद दिस थिंग। यहाँ पे इतने ऑप्शंस थे जिसमें से मुझे बस ये पसंद आए थे, ये बीच वाले। लेकिन ऋतु ने कहा है कि नहीं, वो ऊपर जो एलिफेंट वाला ऑप्शन था वो सही था। पता नहीं ये हमेशा मेरे साथ ही होता है या आपके साथ भी होता है, ये पता नहीं, आप बताना मुझे कमेंट सेक्शन में कि आप किसी दुकान में जाते हो एक चीज खरीदने के लिए लेकिन उसके अलावा बहुत सारी चीजें खरीद के लाते हो। तो पता नहीं, मैं भी गया था अंदर सॉफ्ट टॉय लेने के लिए फॉर द बेबी, लेकिन मैं मेरे ख्याल से 2000 की शॉपिंग करके बाहर निकला हूँ। दिस इज लाइफ आई गेस। सारे मूड की बैंड बजा दी, अंदर जाके बोल रहे इतना बड़ा सॉफ्टवेयर खरीदा मैंने, वहाँ पे बोल रहे कि भाई यहाँ इसको ना गिफ्ट रैप हो सकता है, ना इसको प्लास्टिक डलवा सकते हैं, ना कुछ हो सकता है। मैंने बोला मैनेजर कहाँ पे, बोले मैं ही मैनेजर। आप बोली दीज पीपल आर सिटिंग इन सो मेनी बिग प्लेसेस बट इनके पास कस्टमर सर्विस के नाम पे कुछ नहीं। हमारे यहाँ से ले लो, पैसे दे दो और भागो यहाँ से। कशरचे बघितले YouTube की Instagram दोन्ही माझे ऑलमोस्ट सेम असतात, पण मोठे वाले व्हिडिओ पाहिले का लॉन्ग लेंथ 10-10 मिनिटाचे? हा बघितले, हा ते पण बघ। मी पण बघितले। ए झूट बोल रहा है, शेअर करायचे खूप सारे। चालेल चालेल। तुम्हारे लिए गम्मत लेके आयो मैं, ये खोलिए। प्लीज इग्नोर द पसारा दैट इज आउट देयर। हाँ ये तो मेरा ही है, इसका कुछ नहीं, ये वाला छोड़ दो। यहाँ से खोलना होता है इसको। तचत नको ना एनर्जी घालू तुझ्या आयुष्यातली। ये एक परफ्यूम ले लिया मैंने, तू भी यूज कर सकती है। ऐसा कुछ मेरे लिए क्या? दोनी हम दोनों यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तीसरी चीज निकालो, ये तुम्हारे लिए। क्या है वो? फीट मास्क। ये कोई ब्रांड इंटीग्रेशन नहीं है, लेकिन मेरी बीवी ने मुझे कहा था कि भाई मेरे पैर पे ना जरा छाले निकल गए हैं काम कर करके, तो मैंने सोचा उसको जरा एक डीप मॉइस्चराइजिंग ये लाके दूं, पैर ऑफ फीट मास्क। तो देव मानुस निकला। कैसा लगा तुम्हें? है ना खुश ना? आज का जो बर्थडे हम लोग अटेंड करके आए हैं, उसके बारे में क्या राय है आपकी? मेरे को बस ये लगा कि यार, मैंने मम्मी को भी जाके बोला कि यार हमारे जमाने में नहीं होते जैसे बर्थडे एंकर वैंकर बुला के। आई वाज शॉक्ड कि भाई बर्थडे यार एक छोटे बच्चे का, कुछ समझ नहीं आ रहा है। चलो ठीक है, एटलीस्ट वो 3 साल का हो गया, 4 साल का हो गया, ही इज एंजॉयिंग दैट थिंग। तो उसको पूछेगा मेरे भैया को तो वो बोलेगा यार मेरे को इससे अच्छा करना था। हाँ हाँ ये तो था भाई, उसकी ये तो शक्ल पे ही दिख रहा था कि यार उसके लिए दिस वॉज ओके टाइप्स। हमारे घर में बीइंग अ जॉइंट फैमिली और बहुत बड़ी फैमिली, हम लोग ना बहुत ऐसे उत्साही रहते हैं कुछ भी सेलिब्रेट करने के लिए। तो हमारे लिए वो था, कुछ भी हो, बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, किसकी शादी हो, एंगेजमेंट हो, वी सेलिब्रेट इट एज अ एंजॉय करता है। ऐसे नहीं कि पैसे। कम्प्लीटली कॉन्ट्रास्ट हमारे यहाँ पे था। एक तो हमारी जॉइंट फैमिली है नहीं, हमारी बहुत छोटी न्यूक्लियर फैमिली थी, मॉम डैड में और मेरी बहन, तो 4 लोगों में क्या ही एंजॉय कर पाएंगे। जब लेकिन ऋतु जब से घर पे आई है तब से 2 त्योहार घर पे ऐसे बने जहाँ पे हमें उठ के काम का, भाई आज त्योहार है, सो एवरी टाइम इट वॉज लाइक कि हाँ आज एक त्योहार है। बट जब ऋतु घर पे आई, भाई आज त्योहार है, आज काम करना है, मेरे को चीज़ें लेके आनी है, बहुत भाग दौड़ हो गई। लेकिन इट वॉज गुड। लेकिन आज का ये देखने के बाद मुझे लगा कि भाई ये ऐसी चीज़ें होती है ना लाइफ में जो एक ही बार होती है, एंड वी हैव टू लिव इट टू द फुलेस्ट। In and all, it was a great week. We had a lot of fun. I had a lot of fun. I don't know about Ritu. Ritu would be involved in the vlogs too. And she'll be the person who will be taking the lead in the vlog. Baki, abhi aur end kar dijiye. Hum log ko aise karna chahiye tha na? Achhe se light aata hai na? Sahi hai. Kya? Gunda banega re tu. Hope you're doing good. Please like, comment, share and subscribe to our channel. And stay tuned for more exciting vlogs and content as well. Peace out.